नमस्ते श्रोताओं, आज हम कलयुग के सबसे चर्चित अवतार कल्कि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कलयुग अंधकार और अधर्म का समय है। इस दौरान धर्म कमजोर होता है और मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है? तब धर्म की रक्षा के लिए अवतार का अवतरण होता है और कलयुग में विष्णु के अंतिम अवतार का नाम है कल्कि। कल्कि को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। उसके पास दिव्य शक्तियां होंगी और वह धर्म का विनाश करने वाली ताकतों का नाश करेगा। कल्कि की कहानी सिर्फ युद्ध और विनाश के बारे में नहीं है, यह धर्म के पुनः स्थापन और सत्युग की वापसी के बारे में भी है। पुराणों, विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कल्कि अवतार की कथा मिलती है। इसके अनुसार कलयुग में धर्म का ह्रास होगा, अधर्म, पाप और अन्याय व्याप्त हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर अवतरित होंगे। उनके हाथ में दिव्य खड़ग होगा जिससे वे अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि को चार भुजाओं वाले शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में चित्रित किया गया है। उनके हाथों में विभिन्न दिव्य आयुध होते हैं जिनमें खड़ग, शंख, चक्र और गदा शामिल है। कल्कि अवतार के चित्रों में भिन्नता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें चार भुजाओं वाले योद्धा के रूप में बताया गया है तो वहीं कुछ में दो भुजाओं वाले योद्धा के रूप में। कल्कि का वाहन एक दिव्य सफेद घोड़ा होता है। कल्कि की भूमिका धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। वे धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करेंगे और सत्युग की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह मनुष्यों को यह संदेश देता है कि कठिन समय में भी धर्म की रक्षा करने वाला कोई न कोई अवश्य आता है। कल्कि अवतार की कथा हिंदू धर्म में आशा का संदेश देती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि भले ही कितना भी कठिन समय हो, धर्म की हमेशा जीत होती है। कल्कि अवतार का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण में कल्कि अवतार को कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आने वाले भविष्यवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है। भागवत पुराण में भी कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। कल्कि कलयुग के अंत में सम्मल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। अग्नि पुराण में भी कल्कि को कलयुग में व्याप्त पाप और अधर्म को समाप्त करने वाले दंड पाणि के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में भी कल्कि को कलि नामक राक्षस का वध करने वाले वीर के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ ग्रंथों में कल्कि के जन्म स्थान को संबल द्वीप बताया गया है जबकि अन्य ग्रंथों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पुराणों के अनुसार कलयुग 432,000 साल का होगा और भगवान कल्कि का जन्म कलयुग की समाप्ति पर होगा। पुराणों में यह भी जिक्र है कि भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण के परिवार में होगा। भगवान कल्कि के दो विवाह होंगे। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के ही कल्कि अवतार में जन्म लेने का वर्णन मिलता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित कल्कि अवतार की कथा आशा और धर्म की विजय का संदेश देती है। हालांकि कल्कि अवतार से जुड़े कई रहस्य विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।